हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टडी में हम फोर वायर सीलिंग फिन टेस्टिंग सीरीज टेस्ट लैंप से या सीरीज बल्ब से किस तरह की जाती है आज के स्टडी में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने फोर वायर सीलिंग फिन टेस्टिंग को मल्टीमीटर से समझा था, बट सभी के पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं होते है, इसलिए हम आज के स्टडी में सीरीज बल्ब से समझने वाले है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह सीलिंग फैन को हम सीरीज बल्ब से चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो फोर वायर सीलिंग फैन होता है या कोई भी सिंगल फेज मोटर होती है तो उसमें हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसे हम मेन वाइंडिंग कहते हैं। जो अंदर की तरफ होती है ये मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो बाहर की तरफ होती है ये रनिंग वाइंडिंग होती है। नॉर्मल स्टार्टिंग वाइंडिंग एक स्टार्ट टर्मिनल होता है और एक एंड टर्मिनल होता है, इसलिए इसके दो सिरे होते हैं और रनिंग वाइंडिंग के भी दो सिरे होते हैं, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड। इस तरह यहाँ पे हमारे पास चार तार आते हैं जिसमें दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के होते हैं और दो रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। अब आपको यदि चेक करना है कि आपका सीलिंग फैन ओके है या डिफेक्टिव है तो इसके लिए आप सीरीज बल्ब से किस तरह चेक कर सकते हैं चलिए हम समझ लेते हैं। तो आपको सीलिंग फैन को चेक करने के लिए आपको उसमें तीन टेस्ट परफॉर्म करना होगा। पहले तो आपको ओपन सर्किट टेस्ट देखना होगा कि आपकी मोटर की वाइंडिंग ओपन तो नहीं हो गई सिंगल फेज फैन की, और दूसरे में आपको देखना हो कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, दैट मीन्स हमारी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गई है। रनिंग में आपको सबसे पहले चेक करना है ओपन तो नहीं है, फिर चेक करना है शॉर्ट तो नहीं है, और तीसरा आपको चेक करना है अर्थ तो नहीं है, बॉडी तो नहीं हो गई है या ग्राउंड तो नहीं हो गई है। तो तीनों टेस्ट को हम स्टेप बाय स्टेप आज के स्टूडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज बल्ब को ऑन कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारा बल्ब देखिए दोनों पॉइंट टच हो गए तो हमारा बल्ब यहाँ पे ग्लो होगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे वाइंडिंग कहीं ओपन तो नहीं हो गई, कहीं वाइंडिंग बीच में से ब्रेक तो नहीं है। तो जैसा कि ब्लू वाले तार हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार है, तो देखिए हमने यहाँ पे लगाया तो हमारी जो आप बल्ब देख रहे हैं थोड़ा डिम ग्लो हो रहा है, बट ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये वाइंडिंग एकदम ओके है। यदि ग्लो नहीं होता तो हमारी वाइंडिंग बीच में से ब्रेक होती, बट ग्लो हो रहा है तो हमारी वाइंडिंग ओके है। कम ग्लो हो रहा है, देखने से इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, इसलिए कम ग्लो हो रहा है। यदि फुल ग्लो होता तो फुल ग्लो होने की कंडीशन में भी हमारी वाइंडिंग ओके नहीं होती। देखिए अभी इसमें थोड़ा डिम ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये वाइंडिंग हमारी ओके है। अब हम रनिंग वाइंडिंग को देख लेते हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग में थोड़ी डिम ग्लो हो रही है, दैट मीन्स हमारी रनिंग वाइंडिंग भी एकदम ओके है, दैट मीन्स कहीं बीच में से ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और हमारा बल्ब डिम ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस है, बीच में से हमारी वाइंडिंग शॉर्ट नहीं हुई है। चलिए हमने अभी देखा कि हमारी वाइंडिंग बीच में से ब्रेक नहीं है, अब हमें देख लेना है वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं हो गई है, दैट मीन्स रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक हमने वायर को लगाना है रनिंग वाइंडिंग पे और बाकी के सभी स्टार्टिंग वाइंडिंग पे, सभी पे हमें टच कर करके देखना है। यदि कहीं भी हमारा बल्ब ग्लो होता है तो हम समझे कि हमारी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। देखिए बट हमने यहाँ पे एक वायर रनिंग पे लगाया और बाकी सब स्टार्टिंग पे चेक किया तो कहीं भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, बट जब हम रनिंग पे लगाएंगे तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि कहीं भी रनिंग और स्टार्टिंग में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारी वाइंडिंग कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है, दैट मीन्स हमारी वाइंडिंग ना तो ओपन है ना शॉर्ट है। अब हमें देख लेना है ग्राउंड तो नहीं है या बॉडी तो नहीं हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तार को आपको आपके फैन में बॉडी पे लगाना है, बॉडी पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसकी बॉडी पे लगा सकते हैं, बेयरिंग पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। बट जब आप तार को लगाए उस कंडीशन में आपको सीलिंग फैन को टच नहीं करना है क्योंकि उसमें करंट होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ना ही इन दो तारों को टच करना है। आप पहले यदि टेक्नीशियन से पूछ सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं तो ले लीजिए। चलिए एक तार हम यहाँ पे बेयरिंग पे लगा लेते हैं और एक हर एक तार पे हम एक एक बार टच कर करके देखना है। यदि हमारा बल्ब यदि ग्लो होता है कहीं पर भी टच करने पे इस तरह से, तो हमारा जो सीलिंग फैन है वह बॉडी माना जाएगा, ग्राउंड माना जाएगा। बट हमारा बल्ब कहीं भी ग्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा फैन बॉडी नहीं है, दैट मीन्स ओके है। देखिए हमने चेक किया कि हमारा सीलिंग फैन ओपन भी नहीं है, वाइंडिंग इसकी शॉर्ट भी नहीं है और ग्राउंड भी नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा सीलिंग फैन एकदम ओके है। यदि ओपन होता है या शॉर्ट होता है ग्राउंड में से कोई भी एक कंडीशन होती तो उस कंडीशन में जो हमारा बल्ब हो जो फैन है वह डिफेक्टिव होता और उसे हमें फिर से रिवाइंड कराना होता, बट यहाँ पे हमारा सीलिंग फैन जो है जो एकदम ओके है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हमने सीलिंग फैन की टेस्टिंग की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आगे चल के मोर भी हाउस वायरिंग प्लम्बिंग के वीडियोस पर डालने वाले है। सो आज के लिए इतना ही।